बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दानिश मलिक। इस्लामाबाद में हरिपुर के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए साबिक एमएनए बाबिर नवाज खान की ज़ेर सदारत खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी साबिक सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन काजी मोहम्मद असद और 6000 शहदा के अहल खाना, बुजुर्ग मर्द ख्वातीन बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहदा के अहल खाना को यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ हरिपुर की मुकामी अकेडमी के तलबा की जानब से शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत परफॉर्मेंस परफॉर्म की गई। तकरीब से एक नन्हे तालिबे इल्म अमीर खान ने वलवला खेज खिताब भी किया। पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, सूरतुर रहमान की तफसीर, हजारों लाखों माओं बहनों की दुआओं की तासीर, कायद आजम और इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और उम्मत मुस्लिमा की तकदीर है। मेहमान खसूसी काजी मोहम्मद असद ने तकरीब से खिताब करते हुए शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तुम सोचना भी ना हमारे तरफ ऐसा, हम तो चंद सौ हजारों पे गालिब आने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखोगे तो एक एक मर्द हमारा कुर्बान होने के लिए तैयार है। मर्द खत्म हो गए, हमारी औरतें भी इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी देंगी। वो खत्म हो गई, हमारे बच्चे भी कुर्बानी देंगे। तकरीब से बाबर नवाज ने कहा कि सानिया 9 मई को जो शहदा की बेहरमती की गई वो एक घनौना अमल था जिसकी मजम्मत करते हैं। शहदा हमारे माथे का झूमर है। जिन लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हमारे शहदा की, हमारे इदारों की बेतोकीरी की, वो बुनियादी तौर पे उस आलमी साजिश का हिस्सा हैं जो हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के दिफा की सलमियत की जामिन पाकिस्तान फौज और उसके शहदा उनकी कुर्बानियों को छोटा करने की मजमूम कोशिश थी। तकरीब के आखिर में शहदा के अहले खाना ने भी अपने प्यारों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा, शहदा पर हमें फ़ख्र है, हम अपनी जानें इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर देंगे। अल्लाह पाक ने उन्हें शहादत का रुतबा नसीब किया। एक तरफ से दुख भी होता है कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये सोचती हूँ कि वो इतनी अच्छी जगह पर चले गए, इतने सुकून में है, तो फिर ये ख्याल आता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत शहादत का रुतबा नसीब किया, इतनी इज्जत बख्शी। मेरा बेटा था तो हम बाप बेटा भी थे और दोस्त भी थे। कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जीशान मेरे लिए पहचान बन गया है। मैं दोनों बेटों की कुर्बानी अल्लाह के राह में दी है, ये बहुत बड़ा फख्र है हमारे लिए। इसके साथ साथ बाबर नवाज खान ने और काजी मोहम्मद असद ने देसी टीवी यूएसए से खसूसी गुफ्तगू की। ये जी, अभी तो आपको पता है कि हमारी गाड़ियां अभी भी रोड पे पड़ी हैं। हॉल सारा भर चुका था, बाहर रास्ते भी सारे बंद थे और मेरे हिसाब से तकरीबन कम से कम 6000 लोग, खुद लोग मैंने ऐसे गरीब लोगों को देखा है, एक अपनी जाती गाड़ी लेकर भी वो आ रहे थे साथ जुलूसों के। तो ये तो मेरे ख्याल में आज जज्बे वाली बात थी। हम हरिपुर से तकरीबन 8000 के करीब लोग वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं इस्लामाबाद में, और हमारे आने का मकसद आज सिर्फ ये था कि हर एक को बावर करा सकें कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं, हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपने जितने भी हमारे सिक्योरिटी के एजेंसियों के ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे शहादा हैं या जो अभी सर्विंग है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये उसके लिए ही, अगर हम हरिपुर की सतह पे लाखों के हिसाब से भी मजमा इकट्ठा करते तो शायद वो दुनिया के सामने उजागर ना होता। अब तक लिए इतना ही, मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए।